19 फरवरी शुक्रवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने विधानसभा पहुंचे जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने विधानसभा कैंपस में मौजूद मजिस्ट्रेट और 600 पुलिस जवानों के साथ विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। गौरतलब हो कि 19 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है और 19 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तमाम पुलिसकर्मी और मजिस्ट्रेट के समक्ष विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह की पुलिसिया व्यवस्था सदन और उसके बाहर रहनी है, इसको लेकर मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवानों के सातव सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ब्रीफिंग की। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर ग्राउंड फ्लोर सरैयागंज मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और बाकी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो विधि व्यवस्था की हो चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था की हो, हम लोगों ने पूरी तैयारी किया है। और 25 मजिस्ट्रेट और लगभग 600 हमारे जवान जो हैं वो सभी लोग लगे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी भी लगे हैं, मेडिकल टीम भी यहाँ हम लोगों ने रखा है, फायर ब्रिगेड का अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे दो दो कंट्रोल रूम यहाँ रहेंगे जो निरंतर कार्यरत रहेंगे, और बाकी जो गेट सभी डिफाइन किए गए हैं किस गेट से कौन लोग आएंगे, और जो मीडिया के मित्रगण हैं अन्य लोग हैं उनको पास भी निर्गत किया गया है, पास देख करके ही अंदर अलाउ किया जाएगा, ये हम लोगों ने अभी ब्रीफिंग किया है। और बिना पास के किसी को अनुमति नहीं होगी परिसर में प्रवेश करने की। इसके साथ आर्म्स के साथ किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोई अगर साथ में भी आते हैं, बॉडीगार्ड हैं, निजी सुरक्षा गार्ड हैं या कोई भी पर्सनल आर्म्स है, तो वो भी उसके साथ परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, ये हम लोगों ने स्पष्ट किया है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, डेपुटेशन कर दिया गया है, आज ब्रीफिंग की गई है, कल पहला दिन है, विशेष रूप से अलर्ट सब लोग रहेंगे और शांतिपूर्ण संपन्न हो ये हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। लोगों को रहता है, देश भर में इसकी न्यूज़ की चर्चा रहती है, तो अलर्टनेस आप लोग से एक्सपेक्टेड है, टर्नआउट आपका बढ़िया रहे और डिसिप्लिन उत्कृष्ट रहे, और जो आप लोगों को भोजन आदि मिलेगा तो उसको जो आप लोग 34 दिन हम लोग लगातार यहाँ आते रहेंगे, किसी भी तरह का किसी को कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा तो अप्रोच करके बता सकता है, लेकिन आप लोगों के किसी भी ओमिशन या कमीशन की वजह से व्यवस्था को बदनामी का, और हर बार ये ब्रीफिंग इसी जैसे के साथ और इतनी डिटेल होती है, इस बात से आपको समझना चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी तरफ से इतना ही है, आप लोगों को किसी तरह कोई संकोच कोई डाउट ड्यूटी में क्लैरिटी की ज़रूरत होगी तो आप अभी ब्रीफिंग सुन के भाग मत जाइए, अपना पोस्ट आज भी जाके देख लीजिए ताकि कल आपको किसी से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत न पड़े, सीधे आप पोस्ट पे आएँ। मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ, 8 बजे का टाइम का मतलब है 8 बजे, 8:01 नहीं 7:59 तक आप आ जाइए। तौर पर बहुत बहुत गौर करने की जरूरत है, वो है हम शिथिल पड़ जाते हैं खाना खाने के बाद, ये हमारे खुफिया रिपोर्ट में भी आई है। हम सभी लोगों को बिल्कुल अलर्ट मोड में रहना है, एक तरह से ये हाईएस्ट हम लोगों के राज्य का इवेंट है, रहता है, और सबकी नज़र इस पर रहती है, अलर्टनेस का लेवल बहुत ज़्यादा रहे ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, और समय से सब लोग रहें अपने अपने स्थल पर, मजिस्ट्रेट साहब लोग भी और पुलिस पदाधिकारी भी, हमारे सभी जवान भी। दूसरा ये कि हम लोगों का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, आपको सिक्योरिटी जांच भी करनी है और किसी को ठेस नहीं पहुंचे वो भी देखना है, तो पूरी जो विनम्रता है उसके साथ, दृढ़ता और विनम्रता दोनों जरूरी है, दोनों को ध्यान में रखना है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, चाहे हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं या मीडिया के लोग हैं या अन्य लोग हैं। और इसके साथ साथ कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ माननीय विधायक लोग या माननीय विधान पार्षद लोग खुद से भी ड्राइव करके आते हैं गाड़ियों से, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो ड्राइवर अगर हैं तो ड्राइवर भी हैं या खुद से वो ड्राइव कर रहे हैं तो उसको भी उस ढंग से आप ट्रीट करें, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं हो ये आप सभी लोग सुनिश्चित कराएंगे, पूरी सजगता प्रदर्शित करते हुए और पूरे दृढ़ता के साथ दोनों के साथ हम सभी लोगों को काम करना है। बाकी कंट्रोल रूम में जो लोग रहेंगे और ओवरऑल जो इंचार्ज हैं विधि व्यवस्था के, उन लोगों को सभी चीजों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।